लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखा जाए तो मायावती अहम रणनीतियां बनाती हुई देखी जा रही हैं और अब उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी भिड़ंत देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी ही तरफ मायावती इन दोनों से हटकर कुछ अलग रणनीतियां बना रही हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल कराए जाने की लगातार खबरें ये सामने आ रही हैं कि मायावती को उनकी पार्टी को इस गठबंधन में शामिल कराना चाहते हैं कुछ राजनीतिक दल। लेकिन इसी बीच मायावती ने एक बेहद बड़ा अहम फैसला लिया है। आपको जानकारी दे दें कि बैठकों का दौर जारी है और आज रविवार के दिन उत्तराखंड के पदाधिकारियों और साथ ही साथ यहां पर मायावती ने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। चुनावी मुद्दे पर यहां पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों ही राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों से लेकर जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और मायावती चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर तक संगठन की जमीनी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये अहम फैसले भी लिए जाएंगे कि जिनका खराब प्रदर्शन रहेगा उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार भी किया जा सकता है। जानकारी दे दें कि यहाँ पर मायावती की समीक्षा के बाद खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव की आशंका जताते हुए मायावती ने पिछले बैठक में बूथ स्तर तक मजबूत संगठन बनाने के लिए कैडर कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर यह भी दावे किए जा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल जो पास किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए अब मायावती ओबीसी एससी और एसटी के हिस्सेदारी बढ़ाने के संबंध में पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार से की गई मांग को प्रदेशवासियों तक पहुंचाने के निर्देश पदाधिकारियों को दे सकती हैं। मालूम हो कि बसपा प्रमुख 50% महिलाओं को आरक्षण देने की मांग के पक्ष में हैं। ऐसे में देखा जाए तो मायावती यहां पर ये खास निर्देश देती हुई नजर आएंगी पदाधिकारियों को। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में केंद्र सरकार उनकी इस मांग को पूरा करती है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ मायावती की ये रणनीतियां कितना रंग लाती हैं ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।